मीरा भाईंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का लोकार्पण कब से रुका हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले यानी 30 सितंबर को इस छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। इस लोकार्पण में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आए हुए थे और उनके हाथों छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। अब इस पुतले का मुद्दा फिर से उठ गया है, क्योंकि अंधेरे में रास्ते से गुजरते वक्त ये पुतला स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, इसीलिए आसपास लाइट लगाने की मांग हो रही है। जिस रास्ते पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनी हुई है, उस जगह पर लाइट की कमी से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा साफ रूप से नहीं दिखाई देती, इसलिए मीरा भाईंदर विधायक गीता जैन ने इस प्रतिमा के आसपास लाइट लगाने की मांग की है। गीता जैन ने महानगर पालिका आयुक्त संजय काटकर से मांग करते हुए कहा कि अभी तक प्रतिमा के आसपास किसी भी प्रकार का सुशोभीकरण तथा लाइट का काम न किए जाने के कारण रात को प्रतिमा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, जिसके कारण छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति आस्था रखने वालों को दुख महसूस होता है। इस बात पर विधायक गीता जैन ने नाराजगी व्यक्त करते हुए महानगर पालिका आयुक्त संजय काटकर को पत्र भेजा और जल्द से जल्द सुशोभीकरण और हाई मास्क लाइट लगाने के लिए निवेदन किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के लोकार्पण के लिए विधायक गीता जैन भी मौजूद थी। प्रतिमा के आसपास लाइट लगाने के लिए विधायक गीता जैन ने भेजे पत्र के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें MB लाइव से।